सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। हेलो नमस्ते दोस्तों, आज सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल बहुत स्वागत है। दोस्तों एनडीटीवी एजुकेशन और काफ़ी सारी बड़ी बड़ी न्यूज़ वेबसाइट का ये दावा है कि जो सीबीएसई क्लास 10th और 12th का रिजल्ट है इस बार एक साथ आएगा टर्म 1 का, और ये सीबीएसई का खुद का कहना है। तो गाइज देखो, मेरा काम आपको न्यूज़ बताने का है, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि काफ़ी सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट ये कह रही कि सीबीएसई का जो टर्म 1 का रिजल्ट है क्लास 10th और 12th का एक साथ आएगा। बट मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि कभी भी ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल? अगर आप डाटा चेक करो तो मोर देन 40 लाख प्लस बच्चे हैं क्लास 10th और 12th के अंदर, 14 लाख प्लस, और 10% बच्चे भी अगर वेबसाइट पे एक साथ जंप करते तो वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। हर साल सिर्फ क्लास 12th का 10th का रिजल्ट आता है तभी वेबसाइट क्रैश हो जाती है, तो एक साथ लोड पड़ा तो वेबसाइट तो ख़त्म। और ये मजाक नहीं, सीरियस है। मेरे को लगभग 5-6 साल हो गए यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हुए, आप चेक कर सकते हो मेरी काफ़ी सारी वीडियोस, तो 4-5 साल पुरानी अभी भी अवेलेबल है। तो मैं उसी एक्सपीरियंस से आप सभी को बता सकता हूँ कि सीबीएसई का जो टर्म 1 का रिजल्ट है क्लास 10th और 12th का अलग अलग आएगा। बट मेरी ड्यूटी ये भी है कि आपको न्यूज़ दूँ, तो आप सभी को मैं इन्फॉर्मेशन भी दे देता हूँ। बाकी आपको क्या लगता है, क्लास 10th और 12th का जो टर्म 1 का रिजल्ट है वो साथ में आएगा या अलग अलग, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी जरूर शेयर करना अपने फैमिली, नेक्स्ट वीडियो में तब तक आसिंग है, फिर सेफ रहो। अच्छी बात बोली आपको, अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको, अगर अच्छी लगी मार दीजिए।